अल्हम्दुलिल्लाह चाइना पहुंचा हूं। इट्स अ ट्रिप ऑफ एजुकेशन। कहते हैं ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म सीखो हाथ चाइना, चीन क्यों ना जाना पड़े। सो आई मीन चीन, ठीक है। हमारा होटल ये दो बिल्डिंग्स आगे है, हमें हलाल खाना चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल खाने पे पहुंचे हैं। और पहली चीज़ जो हमें दी गई है हॉट वाटर, गर्म पानी। और मैंने काफ़ी बंदों को देखा है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट वो चीज़ बन चुकी है, क्या कहते हैं, रवाज सा बन चुके हैं कि गर्म पानी पहले पीना है या गर्म पानी पीना खाने के साथ। सो वो बंदे झूठ नहीं बोल रहे, एम ही नहीं मार रहे, जेन्युइनली यहाँ पे जो चाइनीज बंदे हैं ना पानी गर्म पीते हैं। सो बिस्मिल्लाह, एब्सोल्युटली बॉइलिंग है, ठीक है बंदो। सो जहाँ तक मेरा तजर्बा जाता है फ़ौरन खाने का, मैं इस तरह अंदाज़ा लगाता हूँ क्योंकि यूके में मेरे जो मुलाजिम हैं वो जब इंडियन पाकिस्तानी खाते हैं, जो खाते हैं, जो वो तारीफ़ करते हैं जिस खाने की, एब्सोल्युटली घटिया होता। हम लोग ना अपने पालतू जानवरों को वो खाना देना पसंद नहीं करेंगे, राइट, ये करते। तो इसी तरह जितना मैंने ज़िंदगी में चाइनीज़ खाना खाया है, आई डोंट थिंक कि मैंने चाइनीज़ खाना खाया है, मैंने बहाना खाया चाइनीज़ का, कोई भी घटिया किस्म की खाया है। और अगर कोई असली चाइनीज़ रेस्टोरेंटों में चला जाए तो वो तो यार उसका तो यार दिल टूट जाएगा, ठीक है। सो बिस्मिल्लाह, दिस इज़ माई फर्स्ट एवर चाइना में बैठ के चाइनीज़ खाना खाना, आई एम होपिंग कि बड़ा ज़बरदस्त होगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है, बट और मैंने काफ़ी भूख रखी हुई है। मेरे साथ अंकल हैं हमारे, जिनको आप दूसरे इंटरव्यूज़ में देखोगे, इनको मैंने बोला है थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ मंगवा लें, बिकॉज आई एम रियली रियली, मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ, 5 दिन के लिए आया हूँ, एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि यार इनका खाना कैसा होता है। ये लैम है वो क्या चीज़ है यार, सुभान अल्लाह, मैं ना इसको बयान भी नहीं कर सकता, खांट। अगर अल्लाह आपको मौका देता है इंशाल्लाह कम टू चाइना, और मैं ना इसको आप यहाँ पे जो खा के जा रहा हो ना, मेरा फॉर एवर मुँह पे वो जो जायका ना स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। सो आइंदा जिस भी चाइनीज रेस्टोरेंट में मैं गया, दुबई में उमूमन होता है या पाकिस्तान में होता है, वो बात नहीं होगी। एनीवे दस मिनट छोटी सी खाने की व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे माए कैसे शेयर किया ग्वांजू गांजो, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यार गलियाँ वन आफ्टर अनदर हलाल फूड की, यहाँ पे भूखे नहीं मरोगे आप इंशाल्लाह। मेरे अबू काफ़ी अर्सा पहले आए थे, मे बी 14 ईयर्स अगो, और उस वक्त कहते थे थोड़ी दिक्कत होती थी, अब की बार कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। तो जी बिस्मिल्लाह, ये देख लें ये प्लेट है, अभी काफ़ी कुछ हमने छोटा छोटा मंगवाया हुआ, बट anyway, मैं खाने वाला हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट की थोड़ी सी सोच है खाने के बारे में स्टैंडर्ड की, बाहर जाओ कि आपको कभी भी अपना पाकिस्तानी इंडियन वो लेवल का नहीं मिलेगा। सबसे जो घटिया मैंने इंडियन पाकिस्तान खाने खाया ना फिलिपीन में था, तो बस तकफार यार, और उनके पास यार कोई शेफ, अपना कोई शेफ भी नहीं था, सारे के सारे फिलिपिनो थे और बना रहे थे, और उन्होंने औरतों ने हमारे जैसे कपड़े पहने हैं, और क्या कहते हैं जो मर्द, उन्होंने वो शलवानी सी पहनी हुई है जी, बस इंडियन रेस्टोरेंट है, कोई पुराना 60s का गाना चल रहा है, बट लेकिन वो बात नहीं थी। anyway, मैं खाने वाला हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ कोक देख लें, चाइनीज़ कोक कोका कोला। समझो ये मटन तो मैंने फिनिश कर दिया, मर्चे, एंड ये पराठा स्टाइल चीज़ है, कहते हैं नाश्ते के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा चॉपस्टिक्स, ये सीखनी पड़ेंगी, सिंगामियन मुझे कोई नहीं आ पता वैसे, सच बता रहा हूँ, मैं शौक ही मार रहा हूँ। ये देखना ऐसे इस्तेमाल करते हैं बंदो, जो भी डिश है ना, हाँ ये पराठा है, हाँ ये वो मटन है, या जो भी थे टिक्के, इट इज़ अ डिफरेंट लेवल यार, यकीन से कह सकता हूँ। जो भी मैं खा रहा हूँ ना पहले बस मैं कचरा खा रहा था सीरियसली, ये लोग असली माल अब मुझे मिल रहा है, बाकी तक चाइनीज़ बैठे, और पीछे भी लेडीज़ हैं जो बना रही हैं इसको, सो प्रॉपर घर का खाना है ऑनेस्टली, उनकी फिल्म नहीं बनाऊँगा। हम पूरी नहीं होती, पूरी जैसा है जिस तरह हमारी हलवा पूरी होती है ना, इसके साथ हलवा हो इट बी अमेजिंग पूरी है ना। ये काजी साहब है बाय द वे, बंदो ये मैंने ट्राई किया वो दिल्ली वाला मटन था, ठंडा एंड गोल्डन ठंडा, और मुझे हाँ आई डिडंट लाइक इट, फिर सच्ची बताऊँ, उबला हुआ गोश्त है सिरके में, उसके ऊपर तिन्नी, कैसे कहें, चाओ मी प्या, चाओ चाओ मी प्या। अच्छा ये पास्ता लग रहा है, यस पास्ता है, बिल्कुल पास्ता, बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसमें थोड़ी बंद गोभी है शायद,
ये मिर्ची है सर, इसको नहीं खाते, और इसमें भी मटन डाला हुआ है, मटन के ठीक है। अच्छा एनीवे कह रहा हूँ, आओगे बिजनेस का यार, आया तो काम के लिए, थोड़ा बहुत काम के लिए हूँ, सैर के लिए भी आया हूँ, बट यार मज़ा जो आ रहा है दैट इज़ द एक्चुअल फूड। और मैंने ना तकरीबन हर टाइम इनका ही खाना है, जो भी है 8-10 बार जो भी बंदे इनका ही खाना है, एंड आई वॉन्ट टू बी एन एक्सपर्ट चाइनीज फूड का इंशाल्लाह जब मैं लीव करूँ। ओके मिलियनेयर, मैं वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने अलहदा रिकॉर्ड नहीं की। मोटरसाइकिल बिजली पे चलता है, तकरीबन 15 किलोमीटर या 15 मील इसकी टॉप स्पीड है, 15,000-16,000 रुपए का ये आता है वहाँ पे, ठीक है। किसी ने ट्राई की थी लाना कराची में, बड़ी शिपमेंट, काजी साहब कहते हैं आई ऑलरेडी हैड सारा ऑर्डर, सब कुछ तैयार था, लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं थी इसको चलाना बिना रजिस्टर किए, और वो बड़ा रफर था, इसलिए उस बंदे ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, 80-85% जितने चाइनी हैं बिजली पे चलने वाले मोटरसाइकिल चलाते हैं, एंड बड़ा मज़ा आता है, वो पा पा पू कुछ नहीं है, वो पू पा पा तो हम खुद करते हैं, हमें शौक है, वो तो वो करते ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या कि जो वैसे मोटरसाइकिल का होता है ना आवाज़ वो नहीं है। ये मेरे मुँह के आगे जो साइकिल्स खड़े हुए हैं दो देख सकते हो, ये वही आइडिया है जो वो भाईजान लम से आए थे आइडिया करोड़ों पे वाले शो पे, पाकिस्तानी शो है, जिस तरह इंडिया में वॉल्ट होता है, सो समझ लो पाकिस्तान में ऐसे ही शो है, इसका नाम आइडिया करोड़ों का। गुड लक टू हिम, क्योंकि दिस इज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये आइडिया चलता है, ये पैसे कमा रहा है। हजारों 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 लाखों बाइक्स देखोगे मेरी मुख्तलिफ शॉर्ट्स में सड़क के किनारे खड़े हुए, सिंपली ऐसे काम करता है कि ऐप आपके पास होती है, रजिस्टर करते हो और जाके करीब आप लगाते हो तो वो खुल जाती है लॉक इसकी, आप चलाओ अपनी मर्जी से, जितने घंटे आप चलाओगे, जितना टाइम चलाओगे उतना आप पैसा दोगे, और जहां मर्जी दिल चाहे, कोई डेजिग्नेट स्टेशन नहीं है। दुबई में, लंदन में डेजिग्नेटेड हास स्टेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चीज हास नहीं है, कोई हास मार्का नहीं है, जिधर मर्जी चाहे एज लॉन्ग एज सड़क के किनारे एक मैप की हदूद के अंदर अंदर जहां पे भी आप खड़ा कर दो, अपने घर के अंदर करोगे तो जाहिर है वो आपको पड़ता रहेगा, चोरी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जिसने लास्ट खोला वही जिम्मेदार होता है, ठीक है। आप बंद करते हो तो आपका खर्चा आना बंद हो जाता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मिलियनेयर, छोटी सी चीज आपको दिखा दूं, वेंडिंग मशीन है, नारियल बिक रहे हैं यहाँ पे, फोन के साथ पैसे दिए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। मैंने जो मेरे साथ आए अंकल, उन्होंने कम से कम यार 10-12 बार पैसे दिए सिर्फ फोन के साथ। तो पैसे दें, चीज दबाएं बटन, निकल आएगी, एंजॉय करें, यहाँ से निकलेगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, दलेरी दे रहा हूँ कि वेंडिंग मशीन में हर चीज बिक की जा बेची जा सकती है, ठीक है। सो अभी रुझान हमारा पक्का वेंडिंग मशीन पे नहीं हुआ, लेकिन आप शुरू कर दो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अंडे पराठे भी बेचो तो वो भी उसका कोई ना खरीदार जरूर होगा, कहा ना दिलेरी है चाइना का जूबा। मिलियनेयर, एक और चीज आपको दिखानी है, पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है डब्बा सा बना हुआ। आप अपनी बाहर से आते हो, ठीक है, बाहर मौसम फर्ज करो गंदा है, खराब है, बारिश हो रही है, आप छतरी लेके आते हो और यहाँ पे ना अपनी छतरी डालते हो, और वो छतरी एक लफाफे में यानी सिमेटने हो जाती है, एंड उसमें जो बूंदे हैं पानी की वो नहीं ना निकलती या बहती। सो आई थॉट यार ठीक है, होटल के पास है, ये मेरा होटल है, ये बार सवार है, मौसम बड़ा बुरा है, एंड ये मेरा होटल है, और इसमें भी एक बिजनेस का लेसन है। जब हम दाखिल हुए ना, वो एक होटल की रिसेप्शन है, वो एक होटल की रिसेप्शन है, और उसके पीछे भी एक होटल की, उसके पीछे भी रिसेप्शन है एक, और इसी जगह पे तीन होटल है एक एक बिल्डिंग में। ये देखो एक टावर इधर है, ये एक अलहदा होटल है, ये एक अलहदा होटल है, और दूसरी तरफ एक है वो भी अलहदा होटल है। अब हम अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे भी आप देख लो, मैं ना क्या कहते हैं फ्री स्टाइल हुआ हूँ, इस्त्री भी नहीं किया टॉप पर। That's how it works. बंदो ये फैक्ट्रियाँ ऐसी नजर आती हैं चाइना में, ये वाली तो नहीं वो फैक्ट्री थी जहाँ पे हम अभी होके आए हैं, ठीक है। तो जब आओगे इंशाल्लाह खरीदने के लिए ये चीज़ आपको दिखाई देगी। ये किसी के भाईजान के जा रहे हैं, कंटेनर हम आ रहे ही होंगे किसी के, ठीक है, किसी को पैसे ही बनेंगे। ये मेरे रक्षे का ना चाइनी भाई छोटा जा रहा है,
ये चिंगची है, यहाँ से जो शुरू हुए थे। डेढ़ घंटा लगे हमें यहाँ से गोरजू से आते हुए। बंदो ये गुट सारी छोटी में आ गए। यहाँ पे कुछ शायद एक फैक्ट्री अंदर लगी हुई। ये देखो कितने ओके निज़ाम से तरीके से ये जो भी है उगा रहे हैं। मेरे फार्मर्स ऐसे होने चाहिए यार, इस तरह जाके आप अरबपति बनोगे, करोड़पति बनोगे, जब आपकी जो फार्मिंग होगी इतने निज़ाम के साथ होगी। देखो अंदर है, शहर के बिल्कुल अंदर है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है आगे पीछे, जो भी इसको कहते हैं टाउन मोहल्ला। इस साइड भी कुछ लगा हुआ, ये पता नहीं किधर से गुजर रहे हैं, करीब ही हैं उस फैक्ट्री के अगली पेजिस पे पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। पता तो नहीं है, नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से भाई जान, पता नहीं अगर आप गौर कर सकते हो 1.9 किलोमीटर कह रहा है। नहीं ये इस पर ध्यान ही नहीं है भाई का बंदो। वो मैंने तकरीबन वाकई मील डेढ़ पहले बनाई थी, ये तो वाकई पतली गली में हमें घुसा दिया भाई जान ने, पर इनको ज़ाहिर है रास्ता पता है। Nonetheless, I enjoy ये जो बैक स्ट्रीट होती है ना, मुझे हमेशा मज़ा आता है। और मैं कमेंट करने ही वाला था कि यहाँ के जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी काम आवाज़ आती है क्योंकि बिजली की है, और देन ये भाईजान ने मेरा मूड ही रून कर दिया, ख़राब कर दिया पेट्रोल वाले। लेकिन वूमन जो मोटरसाइकिल जो मैंने शायद आज आप देखोगे एक फुटेज मैंने डाला हुआ, कल जो मैं चला रहा था तो वो था अपना बिजली का, और काफ़ी बंदों को मैंने यहाँ बिजली के देखे हैं चलाते हुए। ठीक है, जिसको हम वेस्पा कहते हैं, स्कूटर होता है ना, तो पर ये देख लो दिस इज अंदरूना चाइना, मज़े का। ये भी बंदे हैं हमारे जैसे हैं, मैं नहीं कहता कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं लेकिन बंदे नहीं खाते ये लोग। वैसे सच्ची बताऊँ मैंने कुत्ते बिल्लियाँ को नहीं देखे, तो कोई कुत्ते बिल्लियाँ धक्के नहीं था ये को नहीं थके मैं को नहीं थके तो यहाँ पे रहने देते हैं कि क्यों यहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ हमें क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक है जी बंदो, पहली बार हुआ है इन चाइना, हम जब आते हैं कहते हैं सारे चाइनी एक जैसे लगते हैं। काजी साहब आपने देखे हैं पीछे राइट, एंड मुझे देखे हैं। उस लड़की को पता ही नहीं था कि मैं किस बंदे से बात कर रही हूँ, शी कुडंट टेल द डिफरेंस। अरे यार वो काजी साहब, उसके पास तस्वीर भी है काजी साहब की, और वो फर्क नहीं कर सकी। सो हमें सिर्फ नहीं होता, हम नहीं कहते सारे चाइनी ऐसे हैं, हम भी उनको एक ही लगते हैं, उनकी बिदारी है मेरी बिदारी है। सो दैट्स इट। अच्छा, जिंदगी में पहली बार कोई चाइनी बंदा मेरा अपने खाने का ऑर्डर ले रहा है, लेकिन तस्वीर में नहीं आना चाह रहा। कौन सलाद है? ठीक है, सो वन सलाद, वन सलाद, चार रोटियां। चलो जाएगा। अच्छा है रे, ओए समा समा समा, कैन आई मेक अ फिल्म ऑफ यू प्लीज? ये भाई जाना चल अब सी, इंशाल्लाह चाय भी यहाँ पे मिलती है। जगह ना ना है वो मदीना था, क्या था? मदीना होटल है, मदीना होटल है एक जगह यहाँ पे, उसको कहते हैं लिटिल अफ्रीका। यहाँ पे सुनने में आया अफ्रीकन काफ़ी ज़्यादा भी दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन चाइनी बंदे हैं। वॉच मार्केट है, वॉच मार्केट ये इनको भी मैं पुश कर रहा हूँ कि आप वीडियोस बनाओ यहाँ की जितनी मार्केट्स हैं उनको बताओ यार, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए। ठीक है, तो तुसी बना सो ना इंशाल्लाह। एनीवे तो वही बात बता दिखा रहा था कि पहली बार जिंदगी में मेरे साथ चाइनी बंदे ने अपने खाने का ऑर्डर लिया, एनी वॉज एक्सपीरियंस था। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक नान, एक पराठा, एक तंदूर की रोटी और एक कोई और चीज़ हमने मंगवाई है। मैं इनको कह रहा था आई वॉन्ट टू सी कि ये लोग कैसे बनाते हैं खाना। मेथी मटन, मेथी मटन कैसी होगी, मेथी उनकी कैसी होगी मटन। ठीक है ओके जी, और यहाँ पे चाय भी मिलती है। मैंने एक वीडियो बनाया था दुबई में जहाँ पे मैंने और गौरव ने 10 चीज़ें चुनी थी या 9 चीज़ें चुनी थी जो मैंने कभी भी नहीं खाई, फ्रूट थे खास तौर पर। तो चाइना आया हूँ तो आई वॉज थिंकिंग यार कोई 10 चीज़ें ढूंढते हैं शॉप पे और फिर वो वीडियो बनाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, मैं ना बस क्या करूँ यार, ये देखो खुद ही देख लो ना, मैं तो कल हंस रहा था ऑनेस्टली। और यहाँ पे इंडिविजुअल पैकिंग में भी आती है, ये देखो किसको चाहिए मैं ले आऊँ आपके लिए, अगली चाय कौन पे हाथ में थमा दूंगा, लेकिन शर्त है कि खानी है आपको। इसमें एक तो हंसने वाली बात तो नहीं है यार, इनका अपना कल्चर है, खाते होंगे। ये तकरीबन 30 रुपये की एक, 30 रुपये पाकिस्तानी की एक ये बिकती है, $30। ठीक है तकरीबन, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर टॉप क्वालिटी के बना सकते हैं तो कितने निथावनी है, 700 टन, $500 और $700
जो यूएस डॉलर होते हैं उसके दरमियान फी टन की चाइना में ये इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान से, ठीक है, लेकिन बहुत कम तादाद में हो रही है बिकॉज हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपके पास हिम्मत है, आपके पास अबटवार है असली वाला नाइस वाला, तो ये आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपका ज़ाया नहीं होगा। वियतनाम भी खाते हैं, ठीक है, और ये हमारे जो है ना काजी साहब, जिनका मैं आपको बार बार तारुफ कराता हूँ इन्होंने चाइनीज़ वीडियोज़, ये आपको इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग सिखाएंगे, आपके एजेंट हैं यहाँ पे चाइना में, ठीक है, समझ लीजिए मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे। सो दैट वॉज इट। मैंने एक और चीज़ देखिए यार, ये तो मैंने चुन ली, किधर गया ये तो मैंने, ये बिस्कुट तो वैसे ही खाने हमने, वो तो आम चीज़ें, ये स्वीट पोटैटो यार उसको क्या कहते हैं, शकरकंदी, ठीक है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ देख रहा था जब मेरी नज़र ये इस पे पड़ी, जब इस पे पड़ी ना मैंने बोला ए रहन दो मेहरबानी सर। फिर ये पता नहीं गाजर लग रही थी सूखी, लेकिन ये लगता है कि गार्लिक है, अपना जिंजर है, ये जिंजर शुगर है, बस यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जब वीडियो निकलेगा आप देख लोगे, ठीक है। तो ओ यार ये भी है मिल्क, ये पता नहीं गाय का दूध ही दिखाई दे रहा है, हलाल बिस्किट, हलाल बिस्किट, अच्छा यहाँ पे हलाल लिखना पड़ता है बिस्किटों पे भी, लेकिन हलाल लिखने लगे ना मेरे काम ही देखे यार बिस्किटों पे हलाल लिखा हो, तो आप भूखे नहीं मरोगे, खाने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। यार यहाँ पे जल्द बेच रहे हैं ये, यानी ये भी मुर्गी लग रही है, बाकी आप देख लो यार ये लो अजूबा है यार यहाँ पे, लेकिन स्टाइल होता है ना हर एक कंट्री का, झींगे बंदा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया चाइना में स्नैक्स के तौर पे, ये लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं हर किस्म की। हाँ यार ये मसल्स हैं, ये जो भी हैं छोटे, यानी सी फूड है, और यहाँ पे मैंने शायद स्क्विड भी कहीं पे देखा था, ये जो मुर्गी है यहाँ पे, बीफ है, पोर्क है, लैम है, जो भी है, जो भी उन्होंने यार सूंडे सूंडे नहीं होते जिनके टिक्के सिक्के समझ लो, बस वो भी सुखा के रखे हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे है इस मीट बेस्ड। जिस तरह हम टाफियाँ वगैरह खाते हैं ना, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट को नहीं दिस आता, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट जिसको कहते हैं, चॉकलेट यार हम यहाँ भी कह रहा हूँ, चॉकलेट जो होता है वो नहीं मुझे कहीं, लेकिन फ़ौरन हो सी ना, हाँ फ़ौरन ही है थोड़ा थोड़ा, ये देख लो स्निकर वगैरह, बट काफ़ी मीट प्रोडक्ट्स हैं, बट अगेन कल्चर की बात है, डोडे छोटे जो भी है, ये भी अगेन देख लो मीट ही है, ये भी मीट है, ये भी ज़ाहिर मीट ही मीट हुई, ये सॉसेज किस्म के मीट। मेरे दिल में एक सोच आई है कि मैंने चाइनीज़ खाना कई जगह पे खाया है, लेकिन मैंने कभी भी असली चीज़ नहीं खाई। जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ का जब आप खाना खाते हो, तब आपको समझ आती है कि चाइनीज़ क्या होता है। जो जहन में मुझे मिसाल आती है वो ऐसी है कि यूके में हमारे घोड़े होते हैं, और वो यार टूट पड़ते हैं ऑन इंडियन फूड के, एन इंडिया अपना यूके में नंबर वन जो डिश चलती है वो इंडियन फूड है, ठीक है। और मुझे काफ़ी बार कहते हैं यार आप ना बाहर खाओ, ये खाओ, फलां रेस्टोरेंट से खाओ, फलां टेकअवे से खाओ, और हम कभी भी बाहर इंडियन फूड नहीं खाते, क्योंकि हमारा जो घर का होता है वो ठीक ठाक होता है, यानी किसी भी रेस्टोरेंट से बेहतर होता है। तो बंदे वो देख रहे तो अजीब सा महसूस होता है यार, बात जहन में नहीं आती क्या कह रहा था। तो अच्छा मैं कैमरा उल्टा करने वाला था कि आप नज़ारे भी देखते जाओ पीछे, जहाँ पे हमने अभी खाना खाया आपको दिखाता हूँ। तो मिसाल क्या देता हूँ, मैंने चाइना की, मैंने दुबई के एक रेस्टोरेंट की ना डिश निकाली, मैंने कहा मैंने ये खानी है, क्योंकि मुझे ना एब्सोल्युटली उसका नेमो बदल चाहिए था कि यार ये डिश यहाँ पे चाइना में उसका कैसा जायका होगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरे पास कोई चीज़ तो है ना जिसके यानी बराबर रख के मैं उसको यानी मुकाबले में रख सकता हूँ। तो वो मैंने डिश निकाली गूगल से, और गूगल यहाँ पे बैन है बाय द वे, तो मैंने उस बंदे को दी, मैंने कहा यार ये डिश चाहिए, कहते ये चाइनीज डिश है नहीं है, जिससे साबित होता है कि हम वहाँ पर कुछ भी कचरा खा देते हैं चाइनी के नाम पे और खुश हो जाते हैं, और वो भी मज़े की डिश है, ये नहीं है कि बुरी डिश है। मैं कितनी बार पाकिस्तान से मेरे गेस्ट आते हैं ना, तो मैं उनको वो खिलाता हूँ, उस रेस्टोरेंट पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने खाया है, ये एक सेकंड, वो लिखा हुआ हलाल उसके ऊपर, तो वही गोनू वाली बात हुई, वहाँ पे एक विंडलू है, कभी किसी ने नहीं खाई, किसी ने इंडिया पाकिस्तान में विंडलू नहीं खाई, वहाँ की बनी है, और सब लोग समझते हैं कि जी ये कोई इंडियन डिश है, पता नहीं कोई जूबा से होती है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं की, सुना कि मिर्ची बड़ी होती है। और बस यही कहना था, आपको दिखाना भी था कि थोड़ा चाइना दिखा दूँ, हम कहाँ पे हैं, मोटरसाइकिलों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, साइकिल यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी तरक्की कर रहा है मुल्क है, और हमने ना
नाश्ता किया अभी तकरीबन 6 बजे जाके, और कल भी हमने 6 बजे नाश्ता किया था। करना पड़ता है व्हेन यू आर वर्किंग अ बिट हार्ड, कम टाइम है और इसमें ना मिशन पूरी करनी है। चलो ये लीजिए लास्ट नज़ारा एक बार देख लीजिए आराम से, मैं कैमरा हिला रहा हूँ। मिलेरो चाइनीज़ जो है ना, अपना मेट्रो का शौक था पूरा हो गया, पाँव दर्द कर रहे हैं और जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए, सो शौक पूरा करना था, हो गया। आई सेड कीप ऑन ट्राइंग न्यू एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट समझे कि हमने काफ़ी स्टेशन मिस कर दिए, बस अगले पे बस उतरने वाले हैं, फिर टैक्सी पकड़ेंगे, शौक पूरा हो गया। दिखाना तो आपको है कि यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जाती है। एक जुमे का दिन है, हमने यहाँ पे जुमा पर है, आप क्लिप्स देखते जाओगे तो बस आपको यहाँ पे जो खाने का बाजार लगता है ना, उसके बाद वो मैंने आपको दिखाना है, बड़े मज़े की चीज़ है। जब यहाँ पे आओगे, मैंने वो दूसरा भी ब्लॉग बनाया था असली चाइनीज़ खाने के बारे में, तो फिर यार असली यहाँ पर मिलेगा, चाइना ही मिलेगा। तो जो भी आपको शॉर्ट्स दिखाऊँगा बाद में, इट विल बी द एंटायर बाजार। يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ठीक है, वो पीछे तक जाता है, हमने तो टेबल वगैरह ले लिया, खाना ऑर्डर कर दिया, तो ये शॉट बनाने के लिए निकला हूँ आपके लिए। वो मैं आगे नहीं जाऊंगा, वो दूर है और भीड़ भी है, सो आई एम गोइंग टू ट्रैवल बैकवर्ड्स इन दैट डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं। टेढ़े टेढ़े हैं लेकिन इनसे इनका भी एक टेढ़ा होता है, माशाल्लाह बड़े गॉर्जियस लगते हैं यार। सारा तकरीबन तंदूरी किस्म का माल है, टिक्के वगैरह, अगेन जूस पिटको आ रहा है। उस साइड पे तकरीबन बराबर ही है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे खाना असली, हम तो वही समझते हैं कि असली है, बट ये शायद हमको ना उल्लू बना रहे हैं, बट वी स्टिल लाइक इट। मछली भी देखी है मैंने यहाँ पे, ये पड़ी हुई है, इसका साइज देख लो कितना बड़ा है, बेयर लगता है। और इसके लिए मैं वापस आता हूँ, खलू वाले हैं उधर ठीक हैं, ये अपने भाई जान है, क्या ठीक है आप? अच्छा बता सकते हैं उधर इतना सा फ्रूट सा पड़ा हुआ है, बेर तो नहीं है? बेर जो होता है, बेर, हाँ हाँ बेर, बेर है। तो अब वो काजी साहब बैठे हुए हैं, काजी साहब जो आपको चाइना में चाइनीज मिलियनर बनाएंगे, चाइना से मिलियनर बनाएंगे, चलो बल अपनी अपनी हिम्मत, बट वो आपको कम अज़ कम यहाँ पर ख़रीदना सिखाएंगे, ठीक है? ही इज़ योर मैन इन चाइना, आपका अपना बंदा चाइना में। एंड ये हमारी पार्टी है, ये काजी साहब है, ये बंदे जो है ना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, हेड हैं उसके, प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के, ये भाईजान दी मॉल ऑन करते हैं मीरपुर में, और इन भाईजान का तारुफ ये वाले इनका मुझे नहीं है, सो आई विल टेल यू, ठीक है जी? सो लेट्स डू दिस फाइनल, अल्लाह ने वाला है। ओके जी, दैट्स इट, टूर आपने देख लिया, कोई खास चीज़ नहीं रहेगी दिखाने के लिए। आज मैंने फेरी पकड़नी है, ठीक है, ऑन द वे बैक, सो हम हांगकांग जा रहे हैं, हांगकांग से उड़ेंगे। वी हैव वन मोर ओ ये कोई चीज़ है यार, डबरोटी सी है, मज़े की दिखाता हूँ, जाता हुआ शॉट उसका होगा यार, बहुत ज़्यादा आप दिखाई दे रहा है माल जो देखने का। एक और फैक्ट्री रह गई है, हमारी खरीदारी हुई है तकरीबन 27 लाख की, $27,000 हो 30 लाख कर लो, बट यही मैं पैसे वहाँ पे यूके में 130 देता, 125 देता, ठीक है, 1,25,00,000। अच्छा मिलियनेयर, वो मैंने फ्रूट ले लिया, आई स्मेल्ट इट, इट्स एग्जैक्टली लाइक बेर,
राइट, लेकिन चाइनी बैर यली भाई ये कहते हैं बैर नहीं है बट रुई जैसा अंदर से, सो इट्स ईदर बीन ड्राइड टैमन क्या कहते हैं अपने, ताकि इसकी जिंदगी को यानी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए टाइम इसको यानी एक्स्ट्रा देने के लिए, मैं देख रहा हूँ बीच में गोले देनी है वो इनको कहा छोटी छोटी चाइनी गोले होंगी, छोटी होंगी गौर से देखना पड़ेगा, बट स्मेल्स लाइक अ बैर टेस्ट लाइक अ बैर, तो दैट्स दैट मैंने ले ली थी आफ्टर आई मेड दैट वीडियो, तकरीबन 250 रुपये के इतने मिले थे, इतने वजनी नहीं है, 30 रुपए किलो थे, डबल डबल गेट ट्रिपल, मैं तो टेढ़ा खाते मिलियनेयर, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, ये देखो चीन में ना ये नाखून हमेशा आखिरी आखिरी बड़ा करते हैं, जिस तरह हमारे होते हैं ना छोटे छोटे, इनके देखो, यस यस ओके, हमारे टैक्सी ड्राइवर है तो मैं मैंने क्या यार पहले पूछ लेते हैं माइंड ना कर जी, बट हैप्पीली उसने दिखा दिया, जितने बंदों को मैंने देखा ना उनका ये वाला नाखून बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसका सबसे बड़ा है, एक वो हम जिम पे गए हुए थे तो उसके तो सारे ही बड़े थे और वो था भी आदमी, समझ नहीं आती क्यों, एक का तो मैंने सुना कि यार कान साफ करते हैं बट मैं नहीं कहता कुछ, ठीक है तो बट ये है मेरी चीन की व्लॉग्स, तो आपको अहमी फजूल फजूल की चीज़ें सिखा रहा हूँ, अम्ब अम्बी अम्बियन अम्बियन बंदे हो हुदानियो सॉरी मिली नैरो पंजाबी जगह ऐसा यार, आप देखो सारे बंदे चाइना में अंबियाँ लगी हुई हैं, भाकरियाँ लगी हुई हैं, आम नहीं होते छोटे छोटे, आई डोंट नो गोल्ड से देख सकते हो कि नहीं देख सकते आप, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े आम देखे, मैंने चाइनी आम नहीं खाया यार, वी हैव टू ट्राई इट, सूखा मैंने खाया मज़े का था, ड्राइड मैंगो मिली नैरो, हम ना काल साहब के घर आए हुए हैं, ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये लोहे का है, यहाँ पे स्टाइल ये है सबके दो दो ऐसे, ठीक है कि पहले आप ये लोहे का वाला दरवाज़ा रखते हो, पहले ये वाला खोलते हो, लकड़ी वाला खोलते हो, ठीक है किधर गया, लकड़ी वाला खोलते हो, फिर उसके पीछे ये लोहे वाला होता है, ठीक है इसे आप देख सकते हो कौन है बंदा, यहाँ के जो टिपिकल अपार्टमेंट्स हैं ऐसे, ये इनका घर है जो अपना ये काम के लिए रखते हैं, क्या शंग क्या ना जगह ना शंगन, ठीक है, और ये इनका व्यू है, ये काम के लिए होता है, मैंने कुछ सामान इनका रखना था तो वी हैव बीन हियर, हमने कम से कम देख लिया, चीनी चीनी छोटे छोटे बच्चे, वैसे मैंने कहा ना मैं मजाक उड़ा रहा हूँ इनका, छोटे छोटे हैं लेकिन यहाँ से वैसे छोटे नजर आ रहे हैं, मेरी देख लो इनकी अंदरूनी शहर, ठीक है और मैं आपको ना लिफ्ट में कोई चीज़ दिखाता हूँ, अच्छा बंदो एक लॉक वाली चीज़ दिखा रहा हूँ, एक दो और तीन लॉक हो गया, ऑटोमेटिक लॉक है, लाइट होती तो बेहतर होता बट अच्छा एक चीज़ नहीं, एक सेकेंड ये देखना, अच्छा ये देखना, एक दो तीन इधर चार आता है ना, पाँच चार गया, थ्री ए और अगेन 13A 23A वहाँ पे 33 होता तो 33A होता, ठीक है इनको चार ना पसंद है, बड़े सुपरस्टिशियस किस्म के बंदे होते हैं चाइनीज, चार का मतलब है मौत, और कोई बंदा और इसकी वजह से कोई बंदा इन फ्लोर्स पे प्रॉपर्टी नहीं लेता, इनकी बिकती नहीं है, लिहाजा ये चौथा फ्लोर बनाते ही नहीं है, 3A हो जाता है, ठीक है आ जाओ सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक वो कार्ड सिस्टम वो तो है ना, ठीक है लगाया पता कि अपने वाले आ रहे हैं, और ये तो हो गया मेल के लिए, फिर बाकी अपने बड़े बाबे जान जा रहे हैं सारे, यानी अंदरूनी शहर भी ना इन्होंने रकबा छोड़ा हुआ है सांप सपोलों के लिए, मिले जाना मेरा कैमरा थोड़ा टेढ़ा सा, बट रेड बुल एक्स्ट्रा चाइनीज पैकेजिंग आपको दिखा दूँ, ये छोटे छोटे कैन है, असली जो ओरिजिनल वियतनाम वाली पैकेजिंग है ना वो भी थी वहाँ पर, लेकिन मैंने नहीं उठाई, बस दिल जो है ना घबरा रहा था, इवन दो वो ओरिजिनल गोल्ड में होती है, एंड आई वाज लाइक नहीं यार हम ये वाली जो बाहर बेचते हैं ना वो ले उठा लेते हैं, शोकिया पी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें पता नहीं कुछ दो नंबर चीज़ होती है, बट अल्लाह मालिक है, लिखा तो नहीं है इस पर, लगता है दो नंबर चीज़ है या इट्स कुछ इसमें है कोई, ये ना हो कि कोई सूट शूट डाला हो, आज भी तक तो फिलहाल सिर्फ पानी पिया, कुछ नहीं पिया जानबूझ के, और दूध का ब्रांड भी ना हमने एहतियात से किया, कोई बिस्किट कुछ नहीं खाया इसलिए क्योंकि हर चीज़ में यार दो नंबर तेल इस्तेमाल होता है, चर्बी वाला तेल वगैरह वगैरह, शौक से ये खाते हैं, चर्बी हर तकरीबन खाने में थी, हलाल वाले में भी थी, मैं इसको फिनिश कर दूँगा बट बिल्कुल रेड बुल नहीं है, रेड बुल का जायका है दरमियान में, या ये कॉफ़ी है, गैस भी कोई नहीं इसमें, रेड बुल में गैस होती है, इसमें गैस कोई नहीं, जूस है, और ये बसों का दिखाना था यार, बस ये ऊपर डोडा से दिखाई दे रहा है, ये सारी इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये नहीं कि यहाँ पे यार पेट्रोल डीजल वाली बसें नहीं होती, बस काफ़ी ज़्यादा ये भी जो है मेरे साथ चल रही है, ये बिजली पर चलती हैं एंड दस इट्स क्लीन एनर्जी,
अगर आप हमेशा ऊपर देखो ना, यहाँ पे पोल्यूशन का साया हमेशा रहता है इनके सर पे। सो हुकूमत ने एक बड़े शहर में गाड़ियाँ बंद कर दी थी, एक दिन चलेगी एक दिन नहीं चलेगी, ठीक है। फिर इन्होंने शायद एक हफ्ते के लिए टोटल बंद कर दी थी। गवर्नमेंट की कभी तस्वीर नहीं खींचनी, मारे जाओगे हमें। ऊपर अच्छा हॉस्पिटल लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड मैं एमी साहब आगे पीछे का शॉट दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं तुम्हें इच्छा मैसेज कर देना, इच्छा नंबर है। अच्छा मिलियनेयरो, आखिरी ऑर्डर हमने अभी भी प्लेस किया है, रात के ना 12:23 हुए हैं, अब हम हांगकांग जा रहे हैं। अभी तक खाना नहीं खाया, एक्सेप्ट फॉर दिन का खाया था अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। नॉर्मल हमारे दिन क्या होते थे, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं होता था, कल हमने 11:30 खाया था। सो अगर आपको आगे रहना है, यू हैव टू वर्क हार्ड अगर आपको आगे रहना है। और चाइनीज़ देख लो 12 तक काम कर रहे हैं एंड इसलिए हमारे से आगे हैं, ठीक है। तो सबक है आज का, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी टैक्सी आ चुकी है। मिलियनेयरो, ये सिस्टम है गेट का, आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ से बटन दबाया ये, ठीक है, मैंने खुद खोला, अब इसको ये सुरख वाला दबाने वाला हूँ। चलो येलो दबाना पड़ा था, मुझे घबराहट हो चुकी थी। अच्छा ये देखना गेट कैसे बंद होता है, ये पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, किसी और दुनिया में नहीं देखा, बट यहाँ पे हर बंदे के पास है, बिजली के साथ चलता है, रिमोट है, तो इस बिजली को भी पता नहीं किधर से आ रही है। अच्छा दरमियान में तार गुजरी है, आई नो डार्क है, नहीं दिखा आपको दिखा सकता खास, यहाँ से तार गुजरी है और ये बंद हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा, आई डोंट नो इसकी पायदारी कितनी है, ट्रक इसमें से गुजर जाएगा बट बंदा नहीं गुजरेगा, इट्स नाइस एंड पता चलता है कि यार गेट है। ओके जी, जहाज़ वहाज़ तो तकरीबन सारे बराबर ही होते हैं। टर्मिनल माशाल्लाह काफ़ी भरा है, बड़ा चलना पड़ा है। उप्स, ये फिर कैमरे वाली मसला हो गया। एंड काफ़ी लाइट है बट ऑल्सो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। वो मेरा टर्मिनल है, किधर गया यार, दुबई लिखा होगा यहाँ पे। ये मेरे को तकिया हो गया जो आपको दिखाया है, एंड दिस इज़ माई कैमरा बैग। ओके, और अब मैं जल्दी से ना आपको अंदर से दरमियान में से दिखा देता हूँ एज वेल। 36 पे लिखा हुआ है दुबई, आई डोंट नो, देख सकते हो बड़ी स्क्रीन पे, तो देखो दरमियान वाला शॉट। ये मेरा बूथ लास्ट टाइम, देख लो, मे बी यहाँ पे मैं एक आध और वीडियो बना दूंगा। आई स्टिल हैव ऑलमोस्ट एन आवर टू माई फ्लाइट। अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ आजाद चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम।